नमस्कार, मैं हूँ अमरनाथ चौहान और मैं आज आप लोगों से बात करने आया हूँ शिक्षा के मुद्दे पे। जी हाँ, शिक्षा जो कि एक प्राणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप मनुष्य रूप में जीवन अपने लिए प्राप्त किया है तो शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। और जो हमारे यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब जो महीना है मार्च लास्ट कर रहा है, अप्रैल से नए सेशन शुरू होंगे और फिर से अखबारों में वही खबर छपेगी, प्राइवेट स्कूलों के मनमाने की खबर कि प्राइवेट स्कूल का जो फी है वो मनमाना फी है, वहाँ जो बुक्स दिए जाते हैं बच्चों को उसकी कीमत 4,000 से 5,000 रुपये होती है। इस तरह की बहुत सारी बातें आपको अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिलेगी। तो आइए आज हम इन सारी समस्याओं को ख़त्म करने पर बात करते हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जहाँ से इन सारी समस्याएं, जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की जो समस्याएं है, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे होगी ये खत्म? मैं अपना व्यक्तिगत विचार है, ध्यान सुनिएगा। यदि आपके बच्चे स्कूल लाइफ को जी रहे हैं, आपके बच्चे यदि क्लास 1 से 8 में पढ़ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपने जो भी विचार होंगे आप खुल करके हमारे सामने रखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइवेट स्कूलों की। तो आज हर एक अभिभावक प्राइवेट स्कूल की मनमानी से परेशान है। ड्रेस, स्कूल फी, रीएडमिशन वगैरह वगैरह बहुत सारे मुद्दे हैं और इन सारे मुद्दों पे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा डिटेल में, क्योंकि इन सारे मुद्दों को लेकर के बहुत सारे समाजसेवी हमारे बीच आए और बहुत सारे समाजसेवियों ने तो आंदोलन तक किया और आज भी यह समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। तो आज हम बात करेंगे इसके विकल्प के बारे में, प्राइवेट स्कूलों का विकल्प। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूलों के विकल्प के बारे में। तो आपको मैं बता दूँ कि आपके क्षेत्र में, आप जहाँ भी रहते होंगे, जिस क्षेत्र में भी आप रह रहे हैं, आपके पास प्राइवेट स्कूल का एक विकल्प है जहाँ पर न तो किताब खरीदने का झंझट है, न ही स्कूल ड्रेस में ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं और ना ही पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने क्षेत्र के सरकारी विद्यालय की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूँ अपने क्षेत्र के सरकारी विद्यालय की। आपको क्या लग रहा था कि मैं किसी विद्यालय को खोलने की बात कर रहा हूँ? नहीं, विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग उठते हैं हमारे समाज में, कहते हैं कि मैं निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं एक ऐसा विद्यालय खोलना चाहता हूँ जहाँ पर मैं गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दूंगा। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि यार, वैसे विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे और आपके आसपास इस तरह के सैकड़ों विद्यालय पड़े हुए हैं जहाँ पे ऑलरेडी मुफ्त शिक्षा मिल रही है। जी हाँ, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पुस्तक, मुफ्त पोशाक, मुफ्त भोजन और इसके साथ ही छात्रवृत्ति भी दी जाती है बच्चों को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने और आप सभी चीज़ों से अवगत है। अब आप हमसे कहेंगे कि आखिर मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा सरकारी विद्यालय से पढ़कर ही मैं आज यहाँ हूँ। मैं आपसे जो बात कर रहा है, जो शख्स बात कर रहा है, यह भी सरकारी विद्यालय का ही छात्र है। और आप देख लो अपने आसपास के क्षेत्र में जितने भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उसका जो डायरेक्टर है, उसका जो प्रिंसिपल, उसके जो टीचर्स है, वो सब कहाँ से पढ़ के निकले हैं? वो सब के सब सरकारी विद्यालय से पढ़ के निकले हुए शिक्षक है। तो हम जब सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए लोगों से अपने बच्चों को पढ़ा करके खुश है और उसके बदले प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फी भी हम पेड कर रहे हैं, और कुछ लोगों के कारण ही आज जो गरीब, जो लोग बोलते हैं ना गरीबी, गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। भाई प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ पे कि यदि आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ा करके प्राइवेट स्कूल में भेजते हो ना, तो आपके आसपास के वैसे लोग जिनका कि मंथली इनकम 3,000 से 4,000 रुपये है, वो भी किसी तरह चाहते हैं कि उनका बेटा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता तो मेरा बेटा भी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े, और इस कारण से वो भरपेट भोजन तक नहीं करते और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और वहाँ के फी, ड्रेस, किताब, कॉपी खरीदने में बिक जाते हैं, जमीन तक बेच देते हैं। और फाइनली नतीजा क्या निकलता है, जहाँ सरकारी स्कूल का बच्चा आईएएस अफसर बन जाता है, वहीं प्राइवेट स्कूल से निकला हुआ बच्चा कि चौराहे पर सिगरेट हाथ में लिए जलाता हुआ नजर आ जाता है।
तो मुद्दा यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ करके हर बच्चा नलायक निकलेगा, प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आपका बच्चा नलायक निकल सकता है। तो मतलब डेट मीन्स मेरा कहना मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए और सही गाइडलाइन दे। जी हाँ, यहाँ आपकी रोल बहुत ही अहम हो जाती है, अभिभावक का रोल बहुत ही अहम होता है यहाँ पे। बच्चा किसी भी विद्यालय पढ़ रहा है मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि अभिभावक किस तरह से अपने बच्चे के साथ पेश आते हैं, आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कितना सक्रिय है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की ना तो कमी है, आज शिक्षकों की बिल्कुल भी कमी नहीं। मैंने कई विद्यालयों का दौरा किया है, अभी किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं है, और शिक्षकों का जो मासिक वेतन है वह भी कम नहीं है। कल ही मेरी बात हो रही थी एक शिक्षक से, उन्होंने बताया कि उनकी वेतन 26,676 रुपए है, जो नियोजित शिक्षक है उनकी जो वेतन है वो 26,676 रुपए उन्होंने बताई। और उन्होंने बताया कि उनके विद्यालय में और भी जो परमानेंट टीचर, जो पुराने टीचर शिक्षक है, उनका जो वेतन है वो लगभग 50+ है, यानी 50,000 से भी अधिक वेतन उनको मिल रहा है। तो एक तरफ जब सरकार, आप एक तरफ सरकार को निकम्मा ठहराते, सरकार कुछ नहीं करी हमारे लिए, जब सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था आपको दी हुई है तो उस व्यवस्था का आप सही से उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तो मेरी बस एक अपील है कि आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। दूसरी नंबर बात कि वहाँ के जो शिक्षक है वो आपका अपना विद्यालय है, वह आपका अपना विद्यालय, बच्चा आपका उस विद्यालय पढ़ता है तो आपकी जिम्मेवारी है, आपका अधिकार है कि आप जाकर उस विद्यालय के शिक्षक से सवाल कर सकते हैं कि आपके बच्चे को पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, क्या कभी आप निकलते हैं अपने घर से। आज यदि नरेंद्र मोदी की रैली हो, नीतीश कुमार की रैली हो, लालू यादव की रैली हो, पटना गांधी मैदान में पूरे बस भर भर करके आप लोग चले जाएंगे, अपना दिनों का समय निकालेंगे। जब मैं आपसे बात करता हूँ कि आप कभी अपने आसपास के विद्यालय में गए हैं जहाँ आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं सरकारी विद्यालय में, या आपके बच्चे नहीं पढ़ते, आप बहुत पैसे वाले होंगे, आपके बच्चे नहीं पढ़ते सरकारी विद्यालय में, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, क्या आपके पास समय कभी निकाल करके गए हैं देखे सरकारी विद्यालय की स्थिति को, तो वहाँ की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। शिक्षक मौजूद है, आप बस वहाँ निकल करके, घर से निकल करके थोड़ा सा समय अपना विद्यालय का, यदि एक एक लोग यदि शुरू कर देना विद्यालयों में जाना, तो सरकारी विद्यालय में इस तरह से पढ़ाई होगी ना जिस तरह की पढ़ाई आपके क्षेत्र के किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं हो रही है, नहीं किसी प्राइवेट स्कूल में हो रही है। तो फिर घर में बंद रहने से कुछ नहीं होगा भाई। मैं तो निकल रहा हूँ उस अभियान पे आज से, मैं निकल रहा हूँ इस अभियान पे आज से, मैं प्रत्येक अपने आसपास के क्षेत्र में प्रत्येक लोगों से जाकर मिलूंगा, इस पर चर्चा करूंगा। जो भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को इतना फैलाइए, यदि मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो, यदि बातें बकवास लग रही होगी तो आप अनलाइक करके कमेंट में मुझे गाली दे सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं इस पहल को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल आज इतना ही, आगे की जो भी गतिविधियाँ होगी मैं उसको रिकॉर्ड कर करके आपके सामने लाते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।